हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया इस्लामिया के डिफरेंट कोर्सेज में, जो भी कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज हैं चाहे तो, या पीजी कोर्सेज हैं, जो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज के लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि जामिया इस्लामिया ने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाले थे कॉलेज के लिए, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज, यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के लिए, उसके लिए इन्होंने लास्ट डेट दे रखा था 12th of May। तो मैंने पहले भी बताया था कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, जब फॉर्म के लिए मैंने बनाया था वीडियो उसमें बताया था कि हर बार डेट एक्सटेंड होती है, बट आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, जो लोग स्कूल के लिए पूछ रहे हैं ना, स्कूल एडमिशन के लिए, उनको मैं बताता चलूँ, स्कूल एडमिशन के लिए यार लास्ट डेट आज यानी कि 13th of May लास्ट डेट है। वहाँ भी डेट एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन अब तक लास्ट डेट है, तो वहाँ तो अभी आज रात तक या फिर कल सुबह तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डेट एक्सटेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि वहाँ भी डेट एक्सटेंड होना है। तो फिलहाल हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये कॉलेज की कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए नोटिस 12th of May का डेट डला हुआ, यानी कि कल का नोटिस, लेकिन आया आज है, पोर्टल पर आज अपलोड हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या जो कोर्सेज CU SET के थ्रू है उसके लिए भी डेट एक्सटेंड हुआ है क्या। सर सिंपल सा यहाँ अगर देखेंगे, इन द व्यू ऑफ द एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट ऑफ CU SET एडमिशन फॉर्म, द वाइस चांसलर ऑफ जामिया हैज वेरी काइंडली अप्रूव द एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल जामिया प्रोग्राम्स लाइक PG, UG, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड फॉरेन नेशनल्स, NRI, वर्ड एक्सेप्ट PhD प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2022-23। सिंपल सी बात है, सारे प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट PhD प्रोग्राम, PhD के लिए शेड्यूल आ गया, मैं आज वीडियो बना दूंगा। PhD के लिए एडमिशन या फिर कह लो आपके एंट्रेंस शेड्यूल आ चुका है। PhD के अलावा जो भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि UG कोर्सेज हैं, PG कोर्सेज हैं, या फिर PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो भी हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए, NRI के लिए, सबके लिए, इन सब के लिए यार क्या है कि जो आपके जो डेट को जो बढ़ा गया ना, ये 13 मई से लेकर के 25 मई तक कर दिया गया, यानी कि 25 मई तक अब आप अप्लाई कर पाएंगे, 25 मई या फिर उससे पहले पहले तक आप अप्लाई कर पाएंगे। आप सबको पता है कि CU SET ने डेट बढ़ा करके 22nd of May तक कर दिया था, तो 22 मई तक आप CU SET का फॉर्म अगर फिल कर देते हैं तो जामिया में, अगर सेम कोर्सेज में जामिया में अगर CU SET के थ्रू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जामिया में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ लीजिए, सपोज़ करिए कोई कोर्स आप पढ़ रहे हैं BA ऑनर्स लैंग्वेज का, भर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज का, जो भी स्पेनिश वगैरह का, तो आपको CU SET का फॉर्म तो फिल करना ही करना है, और फिर रजिस्ट्रेशन आपको जामिया में भी करना है। तो जामिया में रजिस्ट्रेशन का डेट उसके लिए आपको 25th है, और जो कोर्सेज डायरेक्ट हैं उसके लिए भी 25th है। इतनी सी बात थी। वो बात आपको यहाँ पे समझाया भी गया है कि द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर जामिया प्रोग्राम्स अंडर CU SET आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल जामिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वेबसाइट टिल 25th of May। 25th of May तक आपको फॉर्म फिल करना है, और बस यार यही इन्फॉर्मेशन देना था। जो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो चीज़ बताया जाएगा सिलेबस के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में, कट ऑफ वगैरह, वो सब आपको मैं बता दूंगा। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।